सबसे पहले हमने गाड़ी के बारे में समझना है, जिन गाड़ियों में आपको नॉलेज है तो सही है, नहीं है तो हमने देखना है नंबरिंग है, गियर वाली कार एक आ रहा है, ये प्लान होता है साइड में रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, ठीक है, लेफ्ट पैर दबाएगा क्लिच, जो बाइक से हाथ से दबाते थे पैर दबाएगा, पूरा दबा दो नीचे एंड कर दो, राइट पैर से दो काम ब्रेक और एक्सीलेटर, ठीक है, हैंड में नीचे करेंगे अभी अंगूठे से दबा के, गियर पे हाथ रखेंगे बिना ताकत के, आगे गियर फील करना बिना देखे हुए, न्यूट्रल पीछे गियर और न्यूट्रल, कोई दिक्कत जब फर्स्ट लगाएंगे हाथ हमारा ऐसे उल्टा होना चाहिए, लेफ्ट आगे पूरा लेफ्ट करके इसी को लेफ्ट झुकाते हुए सेकंड और न्यूट्रल, तो मैं 5 दिन आपकी सपोर्ट करूँ, उसके बाद आपने काम करना है, राइट में सेट करना है गाड़ी और सड़क देखें, सेट में सेट करना है कि आपके कौन पीछे पीछे आ रहा है, वो लेफ्ट ऐसे निकलेगा, लेफ्ट हमारा सेट करना है कौन आगे पीछे निकल रहा है, अब हमने क्या करना है क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमारी दबी हुई है, अब हमने इंडिकेटर कैसे देना वो भी समझा देता हूँ, चाबी यहाँ पे आपको लगी हुई है यहाँ पे है ना, ये हमने चाबी ऑन किया, उसके बाद ये ऊपर करेंगे तो लेफ्ट क्या हो गया लेफ्ट, और नीचे करेंगे तो राइट का इंडिकेटर, और अपने आप बंद हो जाता है, तो राइट हैंड से इंडिकेटर देना, स्टेयरिंग संभालना, हॉर्न देना, ये 3 काम राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड से वाइपर चेक कर लो अपने काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाद एसी वेंट ऑन ऑफ, फैन की स्पीड कहाँ पे हवा चाहिए आपको, यहाँ हमने लग गए, ये होती है बजर लैंप जिसको हम बारिश आंधी तूफान में यूज़ करते हैं, अभी हम बंद कर देंगे, तो ये बटन यहाँ पे आने लग गया, ठीक है, तो क्लिच हमारी दबी है, गाड़ी करेंगे स्टार्ट, और मैं आपको सल्यूट करूँगा कि आप इस उम्र में सीख रहे हैं, और सीखने की उम्र नहीं होती लगन होती है, ठीक है, तो आप तैयार रहिए, मैं सिखाऊंगा आपको, बस लगन दिखानी है आपने, गाड़ी कर दो स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर ली, गियर की तरफ नहीं देखते, बिना देख के हाथ को उल्टा करके ये किया हमने, लेफ्ट अंगूठे से आगे, अब बिना रेस के चलवाऊंगा, ब्रेक को छोड़ दो और एडी आपकी दबी रहेगी, क्या होगा पंजा हल्का सा 1-2-3 करके ऊपर करना, पूरा मत करना, थोड़ा करो, समय ले लो कोई दिक्कत नहीं, और करो थोड़ा और, एक गाड़ी को झटका लगा है हल्का लगाना, इसको फील करके गाड़ी को पैर को ऐसे रखना है, ये गाड़ी 5-10 की रेस में चल रही है, सेंटर देखो राइट देखो और धीरे सड़क पे आ जाओ राइट देखते हुए, गियर वाला हाथ गियर पर रखना है उल्टा बना के, यहाँ अभी हमने क्या करना है माहौल पढ़ना है, क्या करना है माहौल पढ़ लिया तो लोग हमें अखबार में नहीं पढ़ेंगे, हल्का हल्का रेस लो राइट पैर से, बहुत हल्का हल्का से 20 की रेस बनाने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी हमने, हल्का हल्का चलते रहेंगे हमने, इधर लेफ्ट देखना है, सेंटर देखना है, राइट देखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, और पहले दिन को याद करो, ठीक है, आज हमारा पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको, अब समय जैसी हमारी 20 की रेस बनेगी तब हमने क्या करना है सेकंड गियर में सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा और रेस बढ़ाओ, बड़े आराम से, अब रेस तुम्हारी बढ़ गई, लेफ्ट पैर से क्लिच दबा दो पूरा जैसे पहले दबाई थी, दोबारा दब गया उल्टा हाथ करके दब, और 1-2 क्लिच छोड़ दो 1-2-3 करके, मन हल्का रखो हाथ हल्का रखो, एड़ी पूरी फ्री कर देंगे, सिर्फ रेस लेकर चलना 20 की, कितनी 20, क्योंकि जब फर्स्ट गियर में तो रेस हमारी 10 की रहनी चाहिए, और आगे कोई गाड़ी चलिए 15 कदम हमने उससे पीछे भी रहना है, रेस रहेगी 20 की तो हमने आगे क्या करना है सेकंड गियर आ जाता है तो उस टाइम हमने आगे वाली गाड़ी से 25 कदम पीछे भी रहना है, मन हल्का रखो हाथ हल्का रखो, पहला दिन आपका कैसा लग रहा है, तो अपना जो मेथड अनिल जी तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, चलते रोड से काम करवाते हैं और रोज की रोज वीडियो बनाते हैं, तो आपका जो डर होगा ना पहले दिन नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, पहला दिन आज बस आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने की उम्र नहीं होती है साहब, लगन होती है, ठीक है, फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, एक हैंडीकैप गाड़ी है उसको राइट में जाके बचाओ, आगे से पापा की परी भी आ रही है जल्दी से लेफ्ट आ जाओ, पापा की परी कई बार माँ के मगरमच्छ को पिटवा देती है, तो पिटना नहीं है, अपने आप को जगह दे के चलो, रेस मना के मन हल्का रखे हाथ हल्का करके रोड के लेफ्ट लेफ्ट चल देंगे, तो पूरे अपने ट्रैफिक रूल समझने और अपने फौजी के साथ अनुशासन के साथ काम करना, ठीक है, अपने रेस के अकॉर्डिंग और दूरी मेंटेन करते हुए चलते रहो। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पे खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ, तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ, पर फर्स्ट लगाना हमने तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है, पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है, अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0-20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट
सेकंड हो गया। यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रही है आपकी 20 से लेके 30 तक, कितना 30 तक आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है झुका के, फोर्थ थर्ड कौन सा आ गया, थर्ड। सेकंड से कैसे गए, दोबारा देखो ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी, 30 से लेके 40, कितना 40 आप इससे बढ़िया माहौल में पहुंच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50, कितना 40 से 50। इससे तेज चलाना है, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना है आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा। देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी, 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी, अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं, क्या करते हैं, छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है कोई नहीं भी हो सकती है, जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है, क्या चलना है, मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हम तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है। उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है, ठीक है। रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ़ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है, ठीक है। अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना है, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए, अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है, ठीक है। तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और हमने ध्यान क्या रखना है, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं, ठीक है। फिर भी आप अपना ध्यान रखो, यहाँ पर फिल्टर होते हैं हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ़ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाता है, खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप, अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना, ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है, ठीक है। फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत है तो चेंज कराओ, साफ़ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा उन मिस्त्री को समझ में आता ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन के ऑयल को फ्लैश करो, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़े ड्राइविंग की तरफ, मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए, और फर्स्ट गियर लगा लेना, क्या लगाना है, ब्रेक पर पैर राइट में देखते हुए,
और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना। क्या करना है, राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बढ़ा कर रखो रेस, चलते रहो। जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है, डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुंचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जब डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारी सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारी सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू, आगे वाली गाड़ी को देख के दूर है बाइक, और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना है, राइट इनके नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस से फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडी नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, ठीक है, लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट में देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारे लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके। क्या कि राइट साइड कवर कर लिया, इसका फायदा क्या मिलेगा कि आपकी राइट साइड सेफ हो गई है, ठीक है, आपने बार बार देखना सेंटर में इधर और फिर देखना लेफ्ट में, जो पीछे चल रहा है वो आपके लेफ्ट से निकलेगा, मन हल्का रखेंगे, हाथ हल्का रख के चलेंगे। तो डिवाइडर के पास हम चल रहे हैं और इसका फायदा हमने पूरा उठाना है, हल्का से लेफ्ट कर लो, डिवाइडर के इतना पास रखना है जो व्हाइट पट्टी होती है ना उसके पास हम गाड़ी चलाएंगे, राइट वाले कॉर्नर को, राइट वाले कॉर्नर बोनेट का देखो वो हमारे उस पर है, रेस कम करो। अब यहाँ फर्स्ट गियर होगी तो गियर पे आपकी मीटर पे रेस होनी चाहिए 10 की, और आगे दूर कोई गाड़ी चल रही है उसे दूर, तो फर्स्ट गियर में हमने 10 कदम पीछे रहना है और सेकंड गियर में जब चलेंगे तब हमने 20 कदम पीछे रहना है, क्या है 20 कदम, और उससे आगे जैसे ऑटो वगैरह चल रहा है उससे ज़्यादा दूरी मेंटेन करेंगे। नॉर्मल गाड़ियों के लिए हमने क्या करना है, ये 10-20 कदम है, क्योंकि ऑटो वाले कहीं भी पैसे निकले ब्रेक मार देते हैं, रेस मेंटेन हाथ हल्का करो, सामने ब्रेक करा रहे हैं, स्लो करो आधा क्लिच ब्रेक, तो हमने 10-15 कदम पहले आधा क्लिच ब्रेक किया, पास जाके धीरे से ब्रेक छोड़ देंगे, फिर हल्का हल्का रेस लेंगे, या तो 15 कदम पहले फर्स्ट गियर लगा लो या आधा क्लिच ब्रेक कर लो, दोनों में से एक काम करके आप ब्रेकर के ऊपर से जा सकते हैं, फिर ले आप देख लो, फिर सेंटर देखो, कोई गाड़ी चल रही तो दूरी मेंटेन करो, अच्छा बैलेंस बनाओ, कल कैसा लग रहा था आज बताओ, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, और मैं सुनना चाहता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सिर्फ आप क्या बोल रहे हो अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा दिन और हो जाएंगे आप बोलोगे कि आज तो भाई साहब मेरे को और अच्छा लग रहा है,
तो रेस बना रखो, मन हल्का रखो, धीरे धीरे बढ़ते रहो। रेस नहीं आराम से कंट्रोल करके चलो, चलते रहो हल्का 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 हल्का। रेस गियर में चल रहे हैं, आज हम थर्ड गियर ट्राई कर रहे हैं। आराम समय लेके 30 की रेस बनाओ, अभी 25 चल रहे हैं, थोड़ी और रेस बढ़ो। और लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे हम, तो अमित लेके आया था राइट साइड में, हम लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे। अच्छा बैलेंस बनाओ, 30 की रेस बनाओ, थोड़ी और जान दो रेस, थोड़ी और। अब दो काम सुनो, जिस पैर से रेस बढ़ाते हो उसको छोड़ दो और क्लिच दबाओ नीचे, आगे थर्ड गियर लगाओ, न्यूट्रल थर्ड, और रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो। एक दो तीन कर क्लिच छोड़ देंगे स्मूथ तरीके से, हाथ हल्का रखेंगे, रेस लेके चलो। अब हाथ हल्का रखो, समय लेके 40 की रेस बनाओ, कितना बनाएंगे? थर्ड गियर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं, पहला दिन याद है, काम समझ में आ रहा है, कोई कमी गाड़ी सिखाने में नहीं। तो 40 की रेस बना रहे, क्या बना रहे हैं? 40 की। जैसी मैं 40 की रेस बनेगी, ये वाली वाइट पट्टी मैं छोड़ो, मैं अनिल जी रेस छोड़ दो, क्लिच नीचे करो, गियर दो बार पीछे, एक दो सीधा, एक दो, रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ते हो। यहाँ ध्यान रखना, लेफ्ट कर दिया तो फर्स्ट गियर लगता है, राइट करते हो रिवर्स गियर लगेगा, और रिवर्स गियर तकरीबन लगता नहीं है, कई बार लग भी जाता है, गिरारी फंस जाती है, गियर फंस जाता है, कुछ भी हो सकता है, मशीन है क्या है? तो अपने उस हिसाब से काम कराओ, डायरेक्शन कराओ जिस डायरेक्शन में गियर मांग रही है, रोड के लेफ्ट पर चलते रहो। अब हाईवे पर ध्यान कर रखना है, जब आप गाड़ी तेज चला रहे हो, कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, हल्का स्लो करो जिससे वो निकल सके, और जब आप कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है किसी को, तेज़ करके अपनी इंडिकेटर मार के जाएंगे। और जब तक 500 और 1000 मीटर आगे पीछे का स्पेस ना मिले अपनी उम्र के हिसाब से, आपने ओवरटेक नहीं करना है। जगह थी नहीं और आपने जल्दबाजी में ओवरटेक कर दिया तो प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद भी सब में बटेगा, ठीक है, और कई वर्षों तक बढ़ता रहता है। लोग याद करते हैं फलानी जगह फलानी ने गाड़ी ठोकी थी, जब भी मिल जाएगा ना तब भी बोलेंगे अरे ये वही बंदा जिसने गाड़ी ठोकी थी, इतने तो नुकसान कर लिया था। तो कुछ पहचान से लोग याद कर लेते हैं, सेंटर देखो राइट देखो, लोग अच्छी चीज़ याद नहीं करते हैं, उसे भूल जाते हैं, बुरी चीज़ को हर बार याद करते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप बढ़िया से काम करो, अपने आप को अलर्ट रखो, चलते रहो बढ़िया ही, लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा बैलेंस बना के, हाथ को टाइट मत करो। अमित अनिल जी कन्फ्यूज हो रहे हो तो मुझसे पूछो, अगर आप कन्फ्यूज कोई बात हो रही है तो पूछो मुझे, बार बार डायरेक्शन चेंज मत करो अपना, ही लेफ्ट चल रहे देखो, ये वाली वाइट पट्टी मत छोड़ो अपनी, राइट में क्या हो रहा है मैंने कह दिया सब भूल जाओ, लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, अच्छा बैलेंस बनाएंगे। पहले दिन का याद करो, क्या आ रहा था पहले दिन, और अभी पकड़ बन रही है ना, तो हमने अभी लेफ्ट लेफ्ट चलाना, क्या चलाना है? लेफ्ट चलाना। रेस मेंटेन करके चलो, आगे कोई गाड़ी चले उससे दूरी मेंटेन करो, बहुत बढ़िया। वही हल्का सा फिर राइट कर लेंगे, लेफ्ट करेंगे, अपना बस सारे को समझना है, ये हमने सारे को समझना है, ये राइट कॉर्नर बताएगा गाड़ी कहाँ चल रही है। बना रखो रेस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है अनिल जी, लगे रहो किनारों पर, कभी तो लहर आएगी, बना रखो रेस, चलते रहो। फिर हल्का सा लेफ्ट, ये फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा हाथ को, टाइट नहीं करना है, मूवमेंट रहेगा इसमें, बढ़िया। ये अपना लेफ्ट लेफ्ट बनाए रखो, इस टाइम अभी राइट से गाड़ी ओवरटेक करेंगे आपको, लेफ्ट चल रहे हैं तो, जब आप राइट चलेंगे तो गाड़ी आप लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे, नहीं लेफ्ट चल रहे हैं देखो, ये वाली वाइट पट्टी मत छोड़ो अपनी, राइट में क्या हो रहा है मैंने कह दिया सब भूल जाओ, लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, अच्छा बैलेंस बनाएंगे। पहले दिन का याद करो, क्या आ रहा था पहले दिन, और अभी पकड़ बन रही है ना, तो हमने अभी लेफ्ट लेफ्ट चलाना है, क्या चलाना है? लेफ्ट चलाना। रेस मेंटेन करके चलो, आगे कोई गाड़ी चले उससे दूरी मेंटेन करो, बहुत बढ़िया। वही हल्का सा फिर राइट कर लेंगे, लेफ्ट करेंगे, अपना बस सारे को समझना है, ये हमने सारे को समझना है, ये राइट कॉर्नर बताएगा गाड़ी कहाँ चल रही है। यस सर। बना रखो रेस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है अनिल जी, लगे रहो किनारों पर, कभी तो लहर आएगी, बना रखो रेस, चलते रहो। फिर हल्का सा लेफ्ट, ये फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा हाथ को, टाइट नहीं करना है, मूवमेंट रहेगा इसमें, बढ़िया। ये अपना लेफ्ट लेफ्ट बनाए रखो, इस टाइम अभी राइट से गाड़ी ओवरटेक करेंगे आपको, लेफ्ट चल रहे हैं तो, जब आप राइट चलेंगे तो गाड़ी आप लेफ्ट ओवरटेक करेंगे। अनिल जी हम सिंगल लोड पे हमने गाड़ी लेफ्ट चलानी है, राइट का कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड गियर हम चल रहे हैं, 30 की रेस आपकी बन रही है। आप काम सुनो, रेस को छोड़ो, क्लिच नीचे दबा दो, बड़े प्यार से आगे न्यूट्रल करो, एक बार और कर दो आगे, बहुत बढ़िया, रेस बड़ा क्लिच छोड़ते हो, थर्ड गियर आ गया, आगे से बस आ रही है, अपने आप को लेफ्ट संभाले रखना, ठीक है, बस अपने साइड से निकल जाएगी, अपने साइड बने रहो आप, लेफ्ट साइड में थोड़ा लेफ्ट आ जाओ,
अब समय लेके 40 की रेस बनाओ, 40 की रेस बन जाओ, चौथा गियर लगा लेना, नहीं बनाया तो थर्ड में चलना है। यहाँ भी ध्यान रखना, कल की तरह कोई ओवरटेक करेगा तो स्लो करना है, आपको ओवरटेक करना है तो तेज करना है, तो आप तो ओवरटेक करो ही मत अभी, ठीक है। लेफ्ट मारो, 40 से रेस आने वाली है, अब काम सुनो, रेस को छोड़ दो, क्लिच नीचे दबाओ, गियर दो और पीछे एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, पूरी क्लिच छोड़ दो, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, पूरे लेफ्ट आगे से एक और गाड़ी आ रही है, वो अपनी साइड है, हम अपनी साइड है, आप बार बार सेंटर देखो, राइट देखो, पीछे से बाइक वाला भी आ रहा है, लेफ्ट ना दबा लो कि गाड़ी नीचे भी ना उतरे और गाड़ी आपकी लेफ्ट में बनी रहे। पहला दिन आ रहा है याद है, और आज का दिन काम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत काम सिखाने में, बस इसमें पकड़ बनानी है थोड़ा सा, और कल से हमने एडवांस काम करना शुरू किया, अब इसको हम रोज़ काम करने की कोशिश करेंगे। चलो बना रखो रेस, चलते रहो, हल्का 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 हल्का, बहुत बढ़िया, जाने दो, रोड के लेफ्ट चलते रहेंगे।